नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आर्यवर्क में जिगजैग स्टिच के बारे में बात करने वाले। अगर दोस्तों आपको भी आर्यवर्क में जिगजैग स्टिच सीखनी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको कसब लेनी है और कसब में दो तीन बार नोटिंग कर लेनी है ताकि ये फैब्रिक के ऊपर थ्रेड ना आ जाए पूरा। और नोटिंग हो जाने के बाद आपको थ्रेड को नीचे की साइड से ऊपर की साइड को खींचना है। देखिए वीडियो में दिखाई दे रहा है उस तरह से आपको नीचे की साइड से ऊपर की साइड खींचना है और एक बड़ी वाली स्टिच लेनी है। बड़ी वाली स्टिच लेने के बाद उसके एग्जैक्ट बगल में एक छोटी सी सिंगल स्टिच लेनी है और उसके बाद फिर से एक बड़ी वाली स्टिच सामने की साइड लेनी है और उसके बाद आपको फिर से एक छोटी वाली स्टिच लेनी है। आप देख सकते हैं काफी बढ़िया हो रहा है हमारा जिगजैग वाला स्टिच। आपको एक बड़ी स्टिच के बगल में एग्जैक्ट उसके बगल में छोटी वाली स्टिच लेनी है ताकि ये आपका ट्रायंगल से परफेक्ट आए और दिखने में भी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे। देखिए ये एग्जैक्ट बगल में हम जो छोटी वाली स्टिच लेते हैं उससे ये एक टाइप की नोटिंग का काम करते हैं और ये थ्रेड को आगे नहीं आने देती है और परफेक्ट ट्रायंगल शेप मिलता है हमारे ये जिगजैग वाले स्टिच को। अगर आपको ये जिगजैग स्टिच काफ़ी बढ़िया तरीके से करनी है तो मेरे आगे वाले चेन स्टिच का वीडियो ज़रूर देख ले ताकि आपको आसानी हो जाए ये जिगजैग स्टिच करने में। और आप चेन स्टिच वाला वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत ही इजी तरीके से आप ये स्टिच कर सकोगे। अगर आपको आर्यवर्क में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आर्यवर्क में और भी बहुत कुछ सीख सके। और हमारी इस YouTube चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ कि आर्यवर्क के बारे में आपको सिखा सकूँ। और आपको आर्यवर्क में कुछ और सीखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको क्या सीखना है और मैं ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई करूँ और आपके लिए और एक वीडियो बना के ले आऊँ। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना मत भूलना। दोस्तों और लास्ट में आपको नोटिंग करनी है, नोटिंग करना मत भूलना नहीं तो ये आपकी पूरी स्टिच बिगड़ जाएगी। देख लो मैं और एक अलग एंगल से आपको व्यू दिखा देता हूँ कैसे करना है। देख लो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अगर आप सेम टू सेम उसके एग्जैक्ट बगल में और एक बार स्टिच करोगे तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।